हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नीट के एग्ज़ाम को अब लगभग 1 महीना रह गया है एंड आई नो कि आपने बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लिया है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है फिजिक्स की। फिजिक्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिविज़न नहीं हो पाया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये फील करते हैं कि मॉक टेस्ट में उनको फॉर्मूलाज ही याद नहीं आ रहे हैं। तो फिजिक्स के कारण उनका जो मोटिवेशन है, उनके जो प्रिपरेशन का लेवल है वो उनको कम लग रहा है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एटलीस्ट आप फिजिक्स में 100 मार्क्स स्कोर कर सके। बिलीव मी, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, आप 100 मार्क्स जरूर स्कोर कर सकते हैं। एंड इससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी जो रैंक है उसे इम्प्रूव कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब जो लास्ट का मंथ है इसमें आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आपको इस चीज की जरूरत है, आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। सो मैंने नीट 3 बार दिया है। आई नो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक जो अनुमान है वो पता है। सो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अभी सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर्स है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेमी कंडक्टर्स। इसमें आप देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और न्यूक्लियाई, ये चैप्टर फिजिक्स में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है। ये जो टॉपिक्स है ये इजी है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक्स कर रखे हैं, आप फिजिक्स में एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को गलत नहीं कर पाएंगे, आप इसमें स्कोर अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नीट 2021 में भी ये क्वेश्चन है जो थ्योरी से आया था। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि इसकी थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के कुछ पेजेस है, लगभग 10 पेजेस होंगे, वो आपको अभी पढ़ने चाहिए जिससे आप इसकी थ्योरी कंप्लीट कर सके और इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सके। इसके बाद आपको जो चैप्टर्स करने चाहिए वो ये है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, इनमें कुछ कंसेप्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स करते हैं तो आप या तो इसके क्वेश्चन फिजिक्स में पाएंगे या केमिस्ट्री में, या दोनों में ही इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर्स करने चाहिए। आपको ये चैप्टर्स करने के साथ साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। मैं जानता हूं कि ये लास्ट का मंथ है, इसमें आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज इतना अभी टाइम बचा हुआ नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नीट में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं PYQ, ये फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अप होगा। आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं फॉर्मूले याद करता हूँ या करती हूँ तो मैं इन क्वेश्चंस को जरूर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ये टॉपिक कर चुके हैं तब बचते हैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका रे ऑप्टिक्स अभी नहीं हुआ होगा। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो अब इसको कंप्लीट करने की बजाय आप दूसरे जो स्मॉल चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करें बिकॉज ये बहुत लेंदी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे बट ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट माइक्रोस्कोप की थ्योरी और मैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है जैसे कि TIR, डायमंड की ब्रिलियंस वगैरह, इसको आप थ्योरी पढ़े क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पुट किया जा सकता है। देन एक जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही चाहिए वो बहुत स्मॉल चैप्टर है और उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इस चैप्टर में एनसीईआरटी में थ्योरी दे रखी है कि कौन से वेव्स का क्या यूज होता है, क्या वेवलेंथ होती है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, एक टेबल की फॉर्म में दे रखा है। आपको उस टेबल को गो थ्रू करना है, उसको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आने का पूरा चांस है। वो चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ईजी है और वहां से क्वेश्चन श्योरली आता है। देन अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा चैप्टर है जो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, तो इस चैप्टर को लीव ना करें। अगर आपने इसको कर लिया है तो इसके फॉर्मूला शीट्स बना के इसको रिवाइज करें। आप 11th की एनसीईआरटी में देखेंगे कि जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये ईजी होते हैं। ये जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है, तो आपको इस चैप्टर को जरूर कर लेना चाहिए। इसके साथ में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के जो दोनों टॉपिक है इसको करना चाहिए। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने इन दोनों टॉपिक को नहीं किया हो तो आप यूट्यूब से फिजिक्स वाला इन दोनों को सर्च करके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। इस टाइम जब नीट को लगभग 1 महीना ही बचा है, अगर आपके फिजिक्स में कोई टफ चैप्टर्स अभी रिमेनिंग है तो उनको करने की बजाय आप इजी टॉपिक से उनको पहले करें, बिकॉज वो टफ चैप्टर्स को करना आपको डिमोटिवेट कर सकता है। और इस मोमेंट पे मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका मोटिवेशन का जो लेवल है वो डाउन हो जाए, और आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, जितना आप अच्छे से पेपर को कर सकते हैं, उतना अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट ना कर पाए। इसके साथ में कुछ चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके आप फॉर्मूला शीट्स बनाएं। अगर अभी तक आपने इसके फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाए हैं तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनकी फॉर्मूला शीट्स अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, उन फॉर्मूला को याद करें एंड देन उस बेस्ड लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपने इन चैप्टर्स के नोट्स अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो इन फॉर्मूला शीट्स को यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे और ये आपको डिमोटिवेट कर सकता है। आपके मन में ये बार बार डाउट आ रहा होगा कि इस लास्ट के मंथ में आपको एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। सो अकॉर्डिंग टू मी जो नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 2 से 3 होते हैं, बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, और एनसीईआरटी को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ही पढ़ी जाती हैं। तो अगर आपके मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में बहुत कम आ रहे हैं, लाइक 60-70 या अंडर 100 आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रिपरेशन करनी है, और वो जो न्यूमेरिकल पोर्शन की आपको प्रिपरेशन करनी है वो आपको आपके नोट्स रिवाइज करके करनी है, और लास्ट 10 ईयर्स की PYQ पोर्शन से उनको अटेम्प्ट करके करनी है। इसी के साथ में आपने जो चैप्टर्स कर लिए हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, उनके फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद करना है, उनकी यूनिट्स का ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में यूनिट्स गलत ना लिखे जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाए। बस आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूज रखना है ताकि आप नीट में एटलीस्ट 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो की एंडिंग में मैं बस इतना सा ही कहूँगा आपको कि आपको फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स इजी लगते हैं, जो भी टॉपिक्स आपने थोड़े बहुत किए उनको छोड़ दिए और वो इजी है, उनको आप जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो चैप्टर्स थोड़े टफ होते हैं, लाइक रोलिंग मोशन, SHM, वेव्स या फिर रे ऑप्टिक्स, इनको अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इनको एक बार के आप लीव कर सकते हैं। इसके साथ जो आप इजी चैप्टर्स हैं उनको पहले करें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी आएंगे और आपको वहाँ से भी अच्छा स्कोर करने का मौका मिल सकता है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द इजी चैप्टर्स, देन अटेम्प्ट देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस इतना सा ही कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ते रहे, अपने आप कॉन्फिडेंट रहे, बिलीव रखें अपने आप पे कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप 100+ स्कोर अच्छे से कर पाएंगे और आपका जो नीट का ओवरऑल स्कोर है वो भी बूस्ट होगा। थैंक यू सो मच।